भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। कतर में सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिक रिहा। भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। भारतीय नौसैनिकों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था और पिछले अक्टूबर मौत की सजा दी गई थी। नई दिल्ली के कूटनीतिक प्रयासों के बाद उन पर लगाई गई मृत्यु दंड को विस्तारित जेल की सजा में बदल दिया गया था। नौसेना के दिग्गजों के चिंतित परिवार ने उनकी रिहाई और अपने देश में सुरक्षित वापसी के लिए गुहार लगाई थी और विदेश मंत्रालय ने उन्हें वापस लाने के लिए सभी राजनीतिक चैनलों का उपयोग करने के साथ साथ कानूनी सहायता स्थापित करने का वादा किया था। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में घोषणा की कि 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों में से 7 पहले ही भारत लौट आए हैं। सोमवार तड़के दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने पर रिहा किए गए नौसेना अधिकारियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और महीनों की कैद के बाद आखिरकार अपनी मातृभूमि पर कदम रखने से राहत महसूस की। इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया एंड बस यही बोल। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।